नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान, आप देख रहे हैं चैनल डी। कैमरामैन शिवा के साथ इस समय मैं मौजूद हूं हरियाणा के पूर्व जेल मंत्री और इसराणा के विधायक कृष्ण लाल पंवार जी के साथ में। आइए उनसे जानते हैं कि इलाहाबाद विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसको वो किस नज़र से देखते हैं और किस प्रकार के नतीजे हैं और किस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रजातंत्र में कोई भी प्रतिनिधि है, चाहे पार्लियामेंट है या असेंबली है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन किसी कारण से कोई सीट खाली हो जाए तो 6 महीने के बाद उसका चुनाव भी निश्चित है। लेकिन इलाहाबाद विधानसभा से जो अभय सिंह चौटाला जिन्होंने रिज़ाइन किया था, किसानों के समर्थन में किया था, लेकिन ये कह के रिज़ाइन किया था कि जब तक ये कानून कैंसिल नहीं होते जब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी तक तो कानून के लिए प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम किसान विरोधी नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माने मनोलाल किसान हितेशी हैं। प्रजातंत्र में अधिकार है मांगने का, वो प्रोसेस वो मांग रहे हैं। सरकार वार्ता के लिए बार बार उनको बुला रही है और कोई न कोई हल जो अवश्य निकलेगा। लेकिन अभी तो जो अपनी बात पर विशिष्ट चौटाला ने कहा था, जब तक कैंसिल नहीं होंगे जब विधानसभा में जाऊंगा, तो वो बीच में दोबारा फिर अब प्रत्याशी बनकर बीच में आए हैं। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गोविंद कांडा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आज पूरे देश में क्या प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार है, संगठन मजबूत है। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद विधानसभा का जो लगातार विपक्ष में रह करके यहाँ पर 20-25 साल से कोई काम नहीं हो रहे हैं, तो सारे कामों क्योंकि 2005 तक के बाद उसके बाद सरकार में कोई रही नहीं है इलाहाबाद, इसलिए विकास की दृष्टि से भी इलाहाबाद में विकास होने अति आवश्यक हैं। लेकिन हर मतदाता ये समझता है कि सरकार के साथ चलने में ही फायदा है। अभी 3 साल हैं, 3 साल में आज गोविंद कांडा को आज इलाहाबाद की जनता उनको आशीर्वाद देती है, तो 3 साल का कार्यकाल में देखें तो 3 साल के कार्यकाल में सरकार खरी उतरती है तो भविष्य में आशीर्वाद दे देंगे, वरना जनता के हाथ में फैसला है, वो पलट भी सकते हैं। लेकिन अब लोगों का मन यह है कि सरकार के साथ चलने में फ़ायदा है, तो निश्चित तौर से हम एससी समाज के हमारे डीएनटी के चेयरमैन डॉक्टर बलवान सिंह मेरे साथ हैं और एससी मोर्चा के प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर सुरेश दुणोदा जी पूर्व महामंत्री मेरे साथ हैं। तो एससी समाज लगभग 40,000 के करीब बढ़ता है, चाहे उसमें चमार है, धानक है, वाल्मीकि है, सैंसी है, बाजीगर है, गडरिया है, सारे सब का एनालिसिस करते थे, 40,000 वोट पड़ते हैं। लेकिन एससी समाज का एक तरफा फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। लेकिन ये माना जाता है कि दलित जो है वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं, तो कैसे आप ये दावा कर सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ब्राह्मण बनियों की पार्टी मानी जाती है, तो कैसे आप ये दावा कर सकते हैं कि इस बार जो दलित जो है वो बीजेपी के साथ रहेंगे? इस बात का उदाहरण है, 10 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि भी एससी समाज ही कांग्रेस को बनाता था, एससी समाज कांग्रेस से पीछे हटा है, तो 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है ना, तो निश्चित तौर से अब भी कांग्रेस का तीसरे स्थान पर आए। मंत्री जी, आप पूर्व परिवहन मंत्री रहे हैं, जेल मंत्री भी रहे हैं, तो अगर आप इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में आज भी पंजाब के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हमें पंजाब में जाने के लिए जो है प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ता है। तो इस बार अब इन विधानसभा चुनावों में, उपचुनाव में, क्या ऐसा लग रहा है कि कनेक्टिविटी हो पाएगी अगले 3 सालों तक, ये ऐसी सुविधा मिल पाएगी? ऐसे परिवहन विभाग में 4,500 बसों का बेड़ा था मेरे समय में, उसके बाद अब बढ़ाया है 5,500 के करीब है। इसमें प्राइवेट रूट्स भी तय किए थे जिसमें बसें आज प्राइवेट रूट की चल रही हैं, जिस पर प्राइवेट बस रूट की बस चल रही है उस पर परिवहन विभाग की बस का रूट नहीं दिया जाता। लेकिन ये इंटर स्टेट विद इन स्टेट हैं, इंटर स्टेट प्राइवेट परमिट हमारे नहीं हैं, तो परिवहन विभाग के जो परमिट एक स्टेट दूसरे स्टेट के परमिट लिए जाते हैं। यदि स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान के जितने परमिट तो हरियाणा में चलेंगे, जितने हरियाणा प्रदेश के राजस्थान में चलेंगे, लेकिन मुझे ऑथेंटिक ये पता नहीं कितने परमिट हरियाणा के राजस्थान के हैं। यदि कोई कमी है तो 30 तारीख के बाद आप हमारे नोटिस में डाल देना। निश्चित तौर पर मूलचंद शर्मा जी परिवहन मंत्री हैं, मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कह के कि हम इंटर स्टेट ऑफ द परमिट हम बढ़वा लेंगे। सर, मैं आपको जानकारी दे दूं कि इलाहाबाद से 60 किलोमीटर पर डब्वाली है जो कि हरियाणा का ही एक भाग है, इलाहाबाद से डब्वाली के लिए कोई हरियाणा रोडवेज की बस नहीं जाती है और आज तक नहीं गई, जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक
हरियाणा रोडवेज की बस नहीं चली। ये चुनाव प्रोसेस में है, आचार संहिता लगी है, मैं कोई आपको ऐसा बयान दूं वो भी गलत हो जाएगा, लेकिन आपने हमारे संज्ञान में डाला है, निश्चित तौर पर 30 तारीख के बाद जो आपकी बात है इसको निश्चित तौर से ऊपर पहुँचाकर पूरा करा दिया जाएगा। आप एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में गए होंगे, आपने दौरा किया होगा, किस प्रकार का माहौल आप देखते हैं, कि आपको लगता है कि इस बार बीजेपी यहाँ से कमल खिला पाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर अब की बार बाई इलेक्शन, जैसे हमने जींद का बाई इलेक्शन जीता था, बरोदा का जहाँ पर कहते थे तुम्हारा खाता भी नहीं खुलेगा, हमने 50-51 हज़ार वोट वहाँ भी ली थी, और एलनाबाद के हमने जनता का जैसे मूड देखा है, लोग साइलेंट रह करके कहते हैं कि हम निश्चित तौर से अब की बार बदलाव करेंगे। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अगली सरकार हमारी होगी, जिस प्रकार से लोगों का और रुझान उनकी तरफ बढ़ रहा है, वो कहते हैं कि अगली सरकार हमारी होगी, ये तो बीजेपी सरकार तो डूबता जा रही है। कांग्रेस सरकार संगठनात्मक पार्टी नहीं है, जब भी चुनाव होते चुनाव से पहले इनके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएँ हैं, इनके चारों दिशाओं में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए अलग से कॉर्नर से हैं, इधर से कुमारी शैलजा होगी, उधर से लगाए आपके कैप्टन अजय सिंह मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो इसमें उधर से किरण चौधरी दावेदार हैं, कितने कुलदीप बिश्नोई दावेदार हैं, इसमें तो मुख्यमंत्रियों की लाइन लगी हुई है, जब चुनाव आता है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार है न भविष्य माने की उम्मीद है। तो आपको लगता है कि इस बार पूरा जो है फाइनल है यहाँ से एलनाबाद से जीतना? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी एलना विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएगा, और सरकार की जो सेवाएं हैं 3 साल एलना विधानसभा के हर मतदाताओं को मिलेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में इसराना के विधायक और हरियाणा के पूर्व जेल मंत्री और परिवहन मंत्री, जो बता रहे थे कि इस बार जो है वो एलनाबाद में कमल खिलना निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है, कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने खेमेबाजी में बट करके रह जाएगी और इनेलो जो है वो अपना वजूद बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। कैमरामैन शिवा के साथ में सुभाष चौहान, चैनल डी।